अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवतार बाबा ज़रीफ चिश्ती के नाम से एक बंदा था, आप लोगों ने सुना होगा। कल मैंने सुना कि उसकी मौत हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो बंदा 150 साल तक जीने का वजीफा दूसरों को बताता था, वो अब 50 साल भी नहीं जी पाया। 36-37 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। जो बंदा दूसरों को जन्नत ले जाने का वादा करता था, अपना हाथ पकड़ के मुरीद बनाता था और कहता था ऑनलाइन भी बन सकते हो, वो बंदा इतने से लोहे की गोली को से ना बच सका और ना टाल सका उसको, वो चला गया। अब आप खुद सोचिए कि जो बंदा अपनी मौत को ना टाल सके, वो आपको 150 साल तक जीने का वजीफा बताया करता था। मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मकसद सिर्फ लोगों के सामने सच्चाई रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है और सही हदीस है कि जो मर गए हैं उनको बुरा मत कहो। जो उन्होंने इस दुनिया में किया वो अपने अंजाम को पहुंच गए, उन्होंने वो चीज़ को पा लिया। तो मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये बतलाना है कि आज लोग दुनिया में जो कोई भी है वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं कि जिससे मेरे अकाउंट में आला तू लगातार पैसे आते रहें, कभी भी बंद ना हो। हत्ता कि वो ये सोचता है कि मरने के बाद भी पैसे उसमें आते रहें। मैंने अपने वीडियो में और पिछले जो 4-5 वीडियो डाले हैं उसमें इसने भर भर के शिर्क और बिद्दत की बातें लोगों को बताई और कहा कि मैं अल्लाह का रूप अवतार हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, तुम मेरे हाथ पर बैत करो। इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हो। ये अपने पीछे सिवाय शिर्क और बिद्दत के कुछ भी छोड़ के नहीं गया। इसका अकाउंट अभी भी चालू है, उसमें अभी भी बुराई ही जा रही। अभी 2 दिन पहले भी फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें लोग इसके पैर छू रहे हैं, लोगों के सर पर यह हाथ फेर रहा है तो उनकी परेशानी दूर हो जा रही है, लोगों के साथ ऐसा किया। अब ये किस यकीदे पर मरा, क्या हालात पर, वो अल्लाह आलम, वो मुझे नहीं पता। लेकिन 2 दिन पहले तक की वीडियो में इसने शिर्क और बिद्दत ही दुनिया में देखे गया। अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा दीन से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद सोचो कि हम अपने पीछे अकाउंट क्या छोड़ के जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक ईमानदार और अकलमंद इंसान यही सोचेगा कि मेरे बाद भी मेरा अकाउंट चालू रहे। तो इस दुनिया में रहते हुए आप कोई ऐसा काम करना है जो खालिस अल्लाह के लिए हो और उसके बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाएं, तो आपके अकाउंट में नेकियां ट्रांसफ़र होती रहेंगी। और अगर आपने किसी को अच्छी बात बताई और वो उस पर चल पड़ा और मौत तक चलता रहा और आप मर भी गए, तो भी आपके कुछ अकाउंट में नेकियां ट्रांसफ़र होती रहेंगी। जिस आपने की भी नहीं वो भी आपको मिलता रहेगा। तो सोचो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है। मैं बिजनेसमैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को दुनियावी बातें ज़्यादा समझ में आती, कुरान हदीस की बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैं दुनियावी तरीके से समझा रहा हूँ कि ये तो अपने मकसद में नाकामयाब रहा, ये तो हार गया। एक बेहतरीन इबरतनाक वाकिया और नमूना था ये दुनिया के लिए कि देखो मुसलमानों, मेरे प्यारे भाइयों, देखो किसको फॉलो कर रहे हो तुम। जो खुद ना बच सका वो 150 साल तक दूसरों को बचा रहा था, दूसरों को जन्नत में ले जाने का दावा करने वाला खुद एक इतनी सी गोली से ना बच सका। आप खुद अपने माइंड से सोचो किसको फॉलो कर। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात को पकड़ो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी निजात और आखरत में भी। इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाओ ताकि आपके बाद लोग फ़ायदा उठाते रहें और आपके अकाउंट में नेकियाँ ट्रांसफ़र होती रहें। दुनिया की बड़ी फिक्र है हमें, लेकिन आखरत की कोई खास फिक्र दिखती नहीं। और दिखती भी है तो जुमा जुमा की नमाज़, ईद बकरीद की नमाज़, 5 टाइम की नमाज भी ढंग से हम नहीं पढ़ते हैं, वो भी छोड़ो। और कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, मरने के बाद क्या देखोगे, हैं? मरने के बाद तो भुगतना है, देखने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप इसकी मौत से इबरत लो और जो फॉलो करते थे इनको, खुद देखो मेरे भाई क्या किया, क्या हुआ, आप खुद देखो। अभी भी आपके पास वक्त है, इनका वक्त चला गया, ये तो हार गए, ये फेल हो गए अपने मिशन में, ये जो पैदाइश के मकसद से जो दुनिया में आए थे, ख़त्म, इनका टाइम गया। आपके पास अभी टाइम है,
आपके पास अभी वक्त है, आओ एक अल्लाह की तरफ, आओ कुरान और सही हदीस की तरफ, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। यही एक छोटा सा मैसेज था। इस वीडियो को आगे शेयर करना, जो लोग इसको फॉलो करते थे शायद उनको समझ में आए कि ये क्या करके गया, और मेरे चैनल पे और भी इसकी वीडियो पड़ी हैं, आप ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय।